सो हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अमोक को लेकर आज फिर से कैनल पर जाऊंगा और आज हम अपने रोडवेयर डॉग को बाहर लेकर जाएंगे। ये चीज मैं उसी दिन करने वाला था लेकिन पापा जी आ गए थे, तो इसलिए आज मैं और अमोक जा रहे हैं। तो अमोक ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो जल्दी से नीचे चलते हैं और निकलते हैं कैनल के लिए। गाइज ये देखो, ये दोनों वही पपीज हैं जो अभी कुछ दिन पहले कैनल पर से आए थे। और गाइज इनमें एक आदत बड़ी गंदी है, ये सारे दिन इतना भोंकते हैं। वैसे इनके कान की क्रॉपिंग होकर आई है अभी, इसलिए इनकी गर्दन पर कॉलर लगाया हुआ है हमने। और गाइज ये देखो, ब्राउन वाली फीमेल और ब्लैक वाली फीमेल। बाय। सो गाइज मम्मी जी तो खा रही है यहाँ पर खाना, मैं अमोक के साथ कैनल पर जा रहा हूँ। हाँ भाई, आज एक काम करेंगे, रोड वाले डॉग को बाहर लेकर चलेंगे। आज काटने का नहीं है, देख लेंगे वो तो। वेलकम टू दी कैनल गाइज। और गाइज आज हमारे कैनल पर, हमारे कैनल की वीडियो बनाने के लिए एक और यूट्यूबर आए हैं यहाँ पर। वो मेरे ताऊजी लगते हैं, वो नोएडा से मेरठ सिर्फ और सिर्फ हमारे कैनल की वीडियो बनाने के लिए आए हैं। वो पापा जी का और मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेंगे और डॉग्स की भी वीडियो बनाएंगे, तो अंदर चलते हैं और उनसे भी मिलाता हूँ आपको। फार्मिंग डिस्कस विद धर्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज आए हैं हम पहलवान डॉग कैनल पर, जो कि मेरठ में स्थित है, और जानेंगे इनके पास कौन कौन सी नस्ल है और ये अपने कैनल को कैसे चलाते हैं। आइए पहलवान जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ प्यार के साथ साथ एक बिजनेस में भी आपने इसको बदल दिया। बिजनेस तो ये है कि जैसे मान लिया इस मार्शल को बाहर लेकर तो आ गए हैं। अमोक भाई तैयार है क्या चैलेंज करने के लिए? पता चैलेंज में क्या करना है तुझे? एक जगह खड़े रहना है। चैलेंज से पहले हल्का होती हुई। अबे ये फीमेल नहीं है, मेल है ये। चैलेंज से पहले थोड़ा हल्का होता हुआ। सुन मेरी बात, तुझे एक जगह पे खड़े रहना, बिल्कुल जमा के पैर अपने, ठीक है? हाँ, इसे पकड़ के, और तुझे हिलने नहीं देना मतलब खुद को। उससे मेरा क्या फायदा? काटेगा तो नहीं? मतलब मैं दूर खड़ा रहूंगा और मैं इसे मतलब उकसाऊंगा अपने पास आने के लिए, ठीक है? तुझे हिलना नहीं है, ठीक है? ये तेरा चैलेंज है भाई, समझ गया? कम्प्लीट कर फिर तुझे इनाम मिलेगा शेख। मार्शल ले। भाई गिदड़ा है क्या? अमोक लोमड़ी गिदड़ा क्या है? मार्शल पकड़। उसे पकड़ यार। अमोक मुझे ऐसा लग रहा है वो गिदड़ा था, है ना? गाइस वो तो अच्छा हुआ मार्शल ने देखा नहीं गिदड़े को, वरना अटैक कर देता उस पे। काटेगा तो नहीं ना? ये ट्रेंड है। मार्शल सिट। ओ नाइस यार, अरे बढ़िया है। मार्शल स्टैंड, मार्शल स्टैंड। अच्छा हमको सिखा रहा है। अटैक। ओ भाई से परे को रख ले, आजो निकाल लो, खींच के रख, खींच के रख। भाई अभी अंकल जी डर गए थे। मार्शल सिट। अटैक। गाइस एग्रेशन देख रहे हो उसका। मार्शल बस शेक हैंड। मार्शल सिट। हेलो भाई, काटना नहीं है, देख हाथ मिलाना है। हेलो 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 भाई, ये तो हेलो भी गुस्से में कर रहा है। मार्शल टूट पड़ उस पे। गाइस एक दिक्कत हो चुकी है, मैंने बॉल साइड में रख रखी थी और अमोक को पता नहीं था, और गाइस मार्शल ने एकदम से बॉल पकड़ ली और मुंह में से निकाल नहीं रहा है। मार्शल भाई बॉल दे दे यार, बॉल दे दे, बॉल बाहर निकालो, बाहर निकालो, बॉल निकाल। निकाल दे यार, ऐसे मत देख यार। तो गाइस मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि जिससे ये बॉल छोड़ दे। मुझे मिट्टी में एक कप मिला है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि मार्शल को ये कप दिखाऊंगा और इसके चक्कर में वो बॉल छोड़ दे। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, पक्का तो पता नहीं लेकिन ट्राई करके देखते हैं एक बार। ले मार्शल बॉल है ये। मार्शल ले बॉल, ले ले पकड़। अमोक ले जा, ले पास, ले जा पास, ले जा। गाइस एक बार और ट्राई करते हैं यार। मार्शल बन जा भाई बेवकूफ। अमोक पकड़ने दे, पकड़ने। अरे यार ये तो पकड़ नहीं रहा इसे, पकड़। ओए खींच ले, खींच के रख, खींच के रख यार, नहीं निकाल रहा बोल, क्या करें? निकाल निकाल, बॉल निकाल दो बेटा। अच्छा मिठाई नहीं खानी तो बॉल निकाल दो बाबू प्लीज। ले से ले ले ले, निकाल देना यार, दे दे बॉल, दे दो ला। भाई मार्शल से हरामी मैंने कुत्ता नहीं देखा आज तक। भाई मुंह नीचे रख के लेट गया लेकिन मुंह में से बॉल नहीं निकाल रहा। ऐसे करते हैं, चल चलें, ठीक है? ले आ जा, हाथ चेंज कर लेना, हाथ चेंज कर ले। कदम चलवाऊं तेरे। ओ खींच 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 ले, खींच ले, खींच ले, खींच ले, खींच ले, खींच ले, खींच ले भाई, खींच ले, खींच ले। बना दिया मार्शल। अरे मार्शल काट दिया तेरा तो भाई। और भाई कैसी लगी? कैसी लगी आगे स्वाद? मार्शल ठीक ठाक है भैया। ले 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 ले, अब रुक आराम खोर, अब रुक, अब हो जाए एक जगह खड़ा, एक जगह खड़ा रहा बिल्कुल, ठीक है? गाइस ये बाउंड्री है, अगर अमोक इससे आगे आ गया ना तो अमोक चैलेंज हार जाएगा, ठीक है भाई? ले मार्शल, मार्शल पकड़, पकड़ मार्शल, आजा मार्शल ले। अमोक अमोक खींच के रख, खींच के रख, बॉल हाथ में। तू बॉल मत पकड़ा दियो बस इसे यार। मार्शल ले, मार्शल ले,
बेटे हम चल चल यार दिला दी बोल लूजर से मिल लो मुख पकड़ 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 यार देख छूट गई थी अच्छा खासा यार दोबारा बॉल छोड़ दी थी इसने लेकिन इसने दोबारा से पकड़वा दी। तो गाइस अब मैं इसको छोड़ूंगा कप को, ये मेरे हाथ में कप है, ताकि हम इसके मुंह से दोबारा से बॉल छोड़वा सके। और ये मार्शल पुश, कप तो आधा हो गया, ले मार्शल। गाइस एक बार से फिर से बॉल छोड़ने का वेट करते हैं। तो गाइस मार्शल अभी थक चुकी है थोड़ी सी, लोंडा है ये मार्शल, अभी थक चुका है थोड़ा सा और अभी हम इसका इंतजार कर रहे हैं कब ये बॉल छोड़े। तो गाइस मार्शल ने फिलहाल बॉल छोड़ दी है, यहाँ पे हमारी बॉल है, लेकिन सॉरी मार्शल ये बॉल मेरे हाथ लग चुकी है, मार दूंगा कसम से। हाँ तो क्यों कर रहा है बदतमीजी मार्शल, पुश भाई आगे लाओ थोड़ा सा, लाइन के लाइन पे आओ थोड़ा सा, ऐसे नहीं चलने का। अरे मार्शल लो, और अभिनव जैसे कि पूरे जान लगा रहा है अपनी, अटैक 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 अटैक। तो गाइस आज का चैलेंज मैं हार चुका हूँ, अभिनव जीत चुका है। मार्शल बहुत फुर्तीला है, कुछ भी बोलो। देखो गाइस उसने हाथ का क्या हाल कर दिया, छाले आ गए इसके हाथ में, लेकिन मार्शल ने जो भी कहो बहुत अच्छी जान लगाई है। हम इसको जाके, अरे मार्शल से छुट गई बॉल दोबारा से, मार्शल क्या मार्शल पूरी कोशिश करता हुआ, मार्शल को अंदर छोड़कर मैं आ गया हूँ कैनल के, और भाई हाथों का तो बुरा हाल कर दिया मेरे भी और अमोक के भी, भाई बुरी तरह से पसीनों में लथपथ हो चुके हैं। तो जल्दी से अब घर जा रहे हैं मैं और अमोक, घर पहुंच चुके हैं गाइस। गाइस मैं आ चुका हूँ रूम में, और गाइस फाइनली आज हमने अपने रोड रोलर डॉग जिसका नाम मार्शल है उसकी पावर चेक कर ली अच्छे से। हाथों का भी उसने बुरा हाल कर दिया था, और अभी तो वो 11 या 12 महीने का ही है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा उसमें और भी ज्यादा पावर आ जाएगी। आज तो हमने रोड रोलर की पावर चेक करी है, और कमेंट करके बताना कि डोबरमैन यानी कि डी1 की हमें पावर चेक करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अपना।